नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बच्चों से विशेष लगाव रहा। इसी लगाव की वजह से उन्होंने हिंदुस्तान में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, उसकी आधारशिला रखी। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने 1955 में कार्य करना शुरू किया, इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के निर्माण या उसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य रहा, जो एक उम्मीद थी, जो एक होप जताई पंडित नेहरू ने, वो ये थी कि बच्चों के लिए एक स्वदेशी सिनेमा बनाया जाए, एक खास तरह का सिनेमा बनाया जाए जो उन्हें न केवल प्रेरित करे कुछ सृजनात्मक कार्य करने के लिए, उनमें एक जुनून पैदा करे, उनमें एक सहानुभूति पैदा करे, एक समानुभूति की भावना उनमें पैदा करे और साथ ही समालोचना आलोचना का गुण भी उनमें विकसित हो। नेहरू जी का उद्देश्य था कि बच्चे क्रिएटिव बने और साथ ही उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप हो सिनेमा के माध्यम से, और इसीलिए उन्होंने चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया, उसकी आधारशिला रखी। इस सोसाइटी के जो प्रथम प्रेसिडेंट रहे वो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और पहली जो प्रोडक्शन फिल्म सोसाइटी की जो रही वो थी जलदीप, और बड़ा सराहा गया इस प्रोडक्शन को, इस फिल्म को, और इस फिल्म ने फर्स्ट प्राइज जीता बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म में कैटेगरी में 1957 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में, तो काफी सराहा गया इसको, जो पहली फिल्म थी जिसने पुरस्कार वहां पे जीता। इसके बाद चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कई फिल्मों का निर्माण किया गया, जिसमें फिल्म्स थे, टेलीविजन के एपिसोड हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अलग अलग तरह की शॉर्ट फिल्म्स उसमें हैं, फुल लेंथ फीचर फिल्म है, और बहुत ही प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की फिल्मों में निर्देशन का काम किया, जिनमें मृणाल सेन जी हैं, सत्येन बोस जी, तपन सिन्हा, के अब्बास, श्याम बेनेगल, MS सतायु, साई प्रांजपे, संतोष सीवन जी हैं, राम मोहन, ऋतुपर्ण घोष और पंकज अडवाणी सरीखे, बहुत ही एमिनेंट जो डायरेक्टर्स थे, फिल्म मेकर्स थे, वो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और बेहतरीन प्रोडक्शंस थी। और न केवल भारत बल्कि जो साउथ एशिया है, पूरा जो दक्षिण एशिया है, उसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, प्राइम प्रोड्यूसर है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। बहुत सी फिल्मों का निर्माण किया जाता है इसकी ओर से, और फिल्मों की जो स्क्रीनिंग है अक्रॉस द कंट्री हिंदुस्तान में, उनकी स्क्रीनिंग का काम किया जाता है, फिल्में दिखाई जाती हैं, और हर साल लगभग 40 लाख बच्चों तक ये फिल्में पहुंचाई जाती हैं अलग अलग जगह पे स्क्रीनिंग्स के माध्यम से। और न केवल भारत में बल्कि यहाँ बच्चों के लिए बनी फिल्मों को अक्रॉस द ग्लोब यानी पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया जाता है, एग्जिबिट किया जाता है, ताकि दिखाया जा सके कि हिंदुस्तान में किस तरह का सिनेमा बनाया जा रहा है। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए, उनकी स्क्रीनिंग के लिए फिल्म फेस्टिवल्स भी करवाए जाते हैं चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, जिसमें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, नॉर्थ ईस्ट चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, खासतौर से जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल है जिसे द गोल्डन एलिफेंट भी कहा जाता है, ये 2 साल में एक बार करवाया जाता है, जिसमें हमारे देश और हमारे देश के बाहर विदेश में बच्चों पर बनी जो फिल्में हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। यंग ऑडियंस के लिए वो फिल्में लाई जाती हैं ताकि उनको पता लगे किस तरह का सिनेमा ऑल अराउंड द वर्ल्ड बच्चों के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं, किस तरह की फिल्में, उनका कॉन्टेंट क्या है, ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म प्रोफेशनल्स हैं, एमिनेंट गेस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो सिनेमा जगत से जुड़े हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, और इसमें फुल लेंथ फीचर फिल्म के अलावा शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती हैं, साथ ही एनिमेटेड फिल्म्स हैं वो दिखाई जाती हैं, और लगभग 1 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाता है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में भी नॉर्थ ईस्ट के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाती है और बढ़ावा दिया जाता है बच्चों की फिल्मों को, साथ ही बच्चों को प्रेरित करने वाली फिल्में दिखाई जाती हैं जिससे वो मोटिवेटेड फील करें। देश के विभिन्न हिस्सों में इन फिल्म्स की स्क्रीनिंग के जरिए जो अर्बन पुअर हैं, रूरल हैं, ट्राइबल एरियाज में जो चिल्ड्रन रहते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी बहुत है, लैंग्वेज यहाँ बहुत बोली जाती हैं, भाषाएं बहुत बोली जाती हैं। इसी वजह से जो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने अपनी फिल्मों को मेजर इंडियन लैंग्वेजेस जितनी है, जो प्रमुख भाषाएं हैं देश की, उनमें डब भी किया होता है, ताकि जो मैसेज है पूरे देश के अलग अलग भाषा बोलने समझने वाले बच्चों तक उसको पहुंचाया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समझने की कोशिश की कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया किस प्रकार
कार्य करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसी तरह के कुछ और खास विषयों के साथ आपके बीच हम आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।